हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एकेडमी। और हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट वन के लिए, सेमेस्टर वन के लिए। और एक पास डिफरेंशियल कैलकुलस चालू हुआ है, लालजी प्रसाद का बुक है। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, पीछे भी एक्सपेंशन हुआ है, लेबनीज थ्योरम वगैरह हुआ है। और हम लोग देख रहे थे इन डिटरमिनेंट्स फॉर लिविंग का कंडीशन है एल ऑर्बिटल रूल से। इसमें दो क्लास हो चुका है, आज क्लास नंबर 3 लगेगा। और आज हम लोग जो फॉर्म पढ़ने वाले हैं, ये जो होगा फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होगा, ठीक है। कोई भी अगर लिमिट है और उसका वैल्यू रखेंगे, एक्सटेंडिंग टू कुछ दिया रहेगा, तो वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा। तो उस कंडीशन में हम कैसे सोल्व करेंगे, उसके बाद एक टीजीटी और पीजीटी दोनों में लिमिट काम करेगा। टीजीटी पीजीटी हो गया झारखंड, टीजीटी पीजीटी ईपी, टीजीटी पीजीटी केवीएस एनडीएस, 1-2-3 प्रश्न पूछता है हमेशा। तो आप इसको देखिए और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। क्लास हम लोग जो भी लेंगे रेगुलर लेंगे, कंटेंट लेंगे, कभी कभी ऑफ हो सकता है बाई चांस, ठीक है। लेकिन वीडियो हमेशा कंटेंट डालेंगे, एक टाइम पर डालेंगे और हमेशा वीडियो लगभग में 3 बजे को अपलोड हम लोग कर लेंगे। तो दूसरा टाइप हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग टाइप पढ़ेंगे, टाइप नंबर हम लोग कौन पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। जो टाइप होने वाला है 2 टाइप होने वाला है। और इसका जो फॉर्म होगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होगा, ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होगा। पहले सबसे हम लोग देखेंगे थ्योरम, देख लेंगे थ्योरम किस टाइप से होता है। देखिए प्रोसेस बनाने के फाई, ठीक है, ये मान लेते कि फाई एक फंक्शन है और उसमें एक पॉइंट को रखा गया और इन्फिनिटी आ गया, और दूसरा जो फंक्शन है वो साई है ए रखेंगे तो ए भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। दोनों फंक्शन आएगा तो दे फाई एक्स, क्या लिखेंगे फाई एक्स बटा, देखो हम इस समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बाटा के कंडीशन रहेंगे, इज ऑफ द फॉर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वेन एक्सटेंडिंग टू ए। जब एक्स बराबर ए रहेगा, एक्स टेंडिंग टू ए है, इसका मतलब ए का वैल्यू ए रखेंगे इसमें, फंक्शन में रखेंगे, बटा के दिया रहेगा तो ये क्या आएगा, पहला ऊपर वाला में भी इन्फिनिटी आएगा, इसका नीचे वाला में भी इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म में आ जाएगा। तो उसका पहले आप इसको इस टाइप से लिखिएगा, 0/0 का कंडीशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 0/0 कंडीशन आपको बनाना पड़ेगा। तो जो रूल है वो बोलता क्या है, ये रूल जो हम लोग लगाएंगे लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू क्या होगा ए हो जाएगा, और यहां से लिखेंगे फाई एक्स बटा ना साई एक्स इक्वल टू, इसको हम बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इसका डिफरेंशिएशन फाई डैश एक्स और नीचे का डिफरेंशिएशन साई, ठीक है, डैश एक्स। हम इस वाले कंडीशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आ जाना चाहिए इन ऑर्डर टू। अगर इससे भी नहीं होगा तो हम लोग आगे हम लोग देखेंगे इन ऑर्डर टू, देखो 0/0 फिर क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बनाएंगे, 0/0, तो 0/0 लिखेंगे इसको कैसे, जैसे ये फाई फंक्शन है, फाई एक्स बटा साई एक्स है, तो इस वाले को हम बने लिखेंगे 1/5x बटा, क्या लिखेंगे 1/5x बटा 1/, इसको साई एक्स लिखेंगे बटा 1/, इसको क्या लिखेंगे फाई एक्स बटा, देखिएगा साई एक्स इक्वल टू हम लिख सकते 1/ साई एक्स बटा ना 1/5x, इसको हम इतना बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ए ए बी सी डी, देखिएगा ए बटा बी है
सी बाई डी है, इसको हम ए बट्टा बी इंटू डी बाई सी लिखेंगे, तो गुना करेंगे तो ए डी बटा बी सी होगा। ए बी सी डी है, यदि हम इसको देखते हैं कि वन बाई क्या है फाई एक्स इंटू ए, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर बट्टा वन, गुना कीजिएगा तो फाई एक्स बटा क्या हो जाएगा साई एक्स। तो क्या यही चीजों को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, बाकी आगे हम लोग क्या करेंगे सोल्व कर देंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे तो फिर लिमिट लगा करके क्या करना होगा सोल्व के भी इसके जगह पर, अब इसको लिख करके बाकी सोल्व कर लेंगे। देखिएगा ये जो रिड्यूस ठीक है, ये हो जाएगा आपका टू द फोर, टू द फोर जीरो बाई जीरो आ जाएगा। जिस तरह से ये जो फंक्शन है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा आपका, जैसे इस फंक्शन को आप इस टाइप से लिखिएगा तो क्या आ जाएगा बन जाएगा जीरो बाय जीरो। जीरो बाय जीरो कंडीशन हम लोग पढ़े तो है ना, जब जीरो बाय जीरो कंडीशन पढ़े हैं तो फिर तो हम लोग कर ले ही लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाता है, तो इस वाला थ्योरम को थोड़ा सा प्रोसेस आपको याद रखना है, देखिएगा प्रोसेस में एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेने के बाद हम समझ जाएंगे कि किस टाइप से आपको बनाना है, मात्र एक ही एग्जाम्पल को हम लेंगे। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या है इंफिनिटी एक्स के पावर एन है और बटा क्या है एक्स, बटा क्या है ई के पावर एक्स लिखे, ई के पावर एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चे, तो सोल्व करेंगे तो देखिएगा एलटी एक्स टेंडिंग टू क्या है इनफिनिटी एक्स के पावर ए और बटा ई के पावर क्या है एक्स है। जहां पे एक्स है वहां पे हम लोग क्या करेंगे इनफिनिटी को रख देंगे, तो ए जो वैल्यू देगा इनफिनिटी देगा और ए ई के पावर इनफिनिटी ही देगा। ये जो आपका फॉर्म बन रहा है कौन सा फॉर्म है इनफिनिटी बाय इनफिनिटी, आप इसको फिर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 18 बाई 20 वाले को एल ऑपिटल रूल से करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एल ऑपिटल रूल ये बोलते हैं कि एल टी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये क्या होगा एन हो जाएगा, एक्स के पावर एन माइनस वन बटा ई के पावर एक्स, फिर से जीरो रख दिया जाए, फिर से जीरो रखेंगे तो क्या बनेगा इन्फिनिटी बनेगा, क्या बन जाएगा इन्फिनिटी ही बन जाएगा। तो फॉर्म जो होगा ये बार बार वही चीज आ रहा है, फिर इसको एल टी एक्स टेंडिंग टू हम लोग क्या करेंगे इन्फिनिटी, तो एन इंटू एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस टू बटा ई के पावर एक्स आएगा, फिर चीजें वही बनेगा। फिर से हम लोग इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू का इन्फिनिटी एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू और एक्स के पावर थ्री बटा ई के पावर एक्स हो जाए, ये क्या है ना। अब इसको एक टाइप से हम लोग करेंगे तो लास्ट में क्या होगा देखिएगा, ये चलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू एन एन माइनस टू डॉट डॉट डॉट, देखिए थ्री टू वन मतलब ये कम होगा लास्ट में कम होगा क्योंकि पहला एन था, देखिएगा हम एन टाइप तक डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी होगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर चलते रहेंगे डॉट डॉट। लास्ट में देखिएगा जब पावर एन थी, पावर क्या है एन है, तो एक एक कम हो रहा है कि नहीं, धीरे 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 कम होते होते एक्स क्या होगा गायब हो जाएगा, एन टाइप तक करेंगे तो ये क्या होगा अब ये भी कम होते 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 लास्ट में क्या बन जाएगा वन बन जाएगा, बनेगा जैसे पांच है, पांच को ये कम कीजिएगा तो चार मिलेगा, फिर तीन मिलेगा, फिर दो मिलेगा, तो तीन दो एक मिलेगा ना लास्ट में, बटा क्या हो जाएंगे ई के पावर एक्स। भाई देखो ये जो होता है एन का फैक्टोरियल लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है एन का फैक्टोरियल, आपको एन का फैक्टोरियल हमने पढ़ाया एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री पढ़ाया है ना, समझ गए, कम होते होते फिर क्या लेगा टू थ्री वन, पीछे पढ़ाए थे पिछले क्लास में याद होगा,
ऊपर वाला के एन का फैक्टोरियल लिख देंगे और टी के पावर इनफिनिटी रहते हैं इक्वल टू क्या होगा इनफिनिटी आएगा और टी क्या हो जाएगा जीरो आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे जीरो आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना, तो इस लिमिट का जो आंसर आएगा आपका क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम इसको एक्स के जगह पर रखे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया, इसको कुछ नहीं लिखने पाएंगे तो लास्ट में क्या करेंगे एजिंग बाई एल हॉस्पिटल को डिफ्रेंसिएशन करेंगे, लास्ट में तक एक्स गायब हो जाएगा ई के पावर एक्स इन्फिनिटी रख दो और एन का फैक्टोरियल बाई इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होते हैं जीरो होते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे बी, एक्सरसाइज 4B चलेंगे आज। और जो ये लालजी प्रसाद का बुक है आपका जो न्यू वाला बुक है उसमें एक्सरसाइज 4B लिखा हुआ है, बोला इवेलुएट फॉर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। पहला जो प्रश्न है देखिएगा, नंबर जो 1 है आपका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लॉग एन बाई ए है, ठीक है। देखिए भाई यदि हम इसको करते हैं सोल्व करेंगे तो आप लिखिए गिवन दैट अमित, देखिए बहुत आसान है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग एन बटा एन है भाई। अगर इसमें एन के जगह पर इन्फिनिटी हो जाएगा और लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी ही होता है, इस जो फॉर्म बन गया इन्फिनिटी बाई क्या बन गया इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनता है तो रूल क्या बोलता है कि ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंसिएशन कर देना है, नीचे वाला भी फंक्शन को क्या करना है डिफ्रेंसिएशन, जो जीरो बाय जीरो कंडीशन पड़े हैं उसी पर बना लेना है ना। तो ये देखिए लॉग का डिफ्रेंसिएशन आपको याद है, चार लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1 बटा क्या होता है एन होता है और n का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है देख रहे हैं n है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो n का वैल्यू है, जैसे x रहता है तो x में डिफरेंशिएशन होता है, y रहता तो y और n है तो n में होगा। अब 1 से डिवाइड कर दो बच्चे तो n इन्फिनिटी 1 बटा क्या होगा n और इसमें 1 n के जगह पर इन्फिनिटी, याद रखिएगा कि 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, याद रहेगा आपको 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है जीरो। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई जो एन है ये रखेंगे एन का 1 होगा डिवाइड कर दिए 1 बाई एन और एन के जगह पर इन्फिनिटी रख देंगे। चलिए दूसरे प्रश्न के पास चलते हैं, दूसरे प्रश्न क्या दिया है एल टी एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 है, ऊपर में क्या है कि tan x बटा मतलब नीचे क्या है बच्चे tan 3x। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो जैसी पाई बाई 2 रखेंगे, देखिए tan पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है tan पाई बाई 2 का वैल्यू इंफिनिटी होता है और यहां से देखिएगा हम लिखेंगे tan x के जगह पर 3 है, x के जगह पर पाई बाई 2, इसको बच्चे हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि पाई प्लस पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो 3π/2। ये देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है ये चीजें थर्ड वाला में, और थर्ड में क्या होता है टेन प्लस में होता है, टेन क्या होता है प्लस में, तो ये प्लस हो जाएगा तो बताइए टेन थीटा, थीटा के जगह पर क्या है पाई बाई 2, फिर से क्या दिया इन्फिनिटी दिया, चेक करने समझ में आ गया ना। अब आगे थोड़े से देखिए हम समझा रहे हैं, इसको तोड़ना फिर पड़ेगा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर होगा, क्या होगा sec स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x, लेकिन tan को फिर से करेंगे tan का डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर x ही तो होगा, अब 3x के करेंगे तो 3। अब अगर हम पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा इन्फिनिटी मिलेगा पाई बाई 2 पर और यहाँ भी इन्फिनिटी मिलेगा, समझ गए बात को, जैसे sec 3 पाई बाई 2 मतलब यहाँ से sec स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस में देगा लेकिन स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे प्लस sec पाई बाई 2 इक्वल टू फिर से इन्फिनिटी दे रहा है।
तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ही इंफिनिटी आ रहा है, तो हम सोचेंगे कि भाई इसको ऐसे लिख दिया जाए। कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, ये देखिए इसको हम लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, बोले ना अभी बटा भी करके इस तरह से। और टेन को क्या लिखेंगे बाबू, बोलो टेन के हम लोग क्या लिखेंगे? साइन थ्री एक्स बटा क्या होगा कॉस थ्री एक्स। इसको लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू साइन लिखेंगे, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर में बटा में, ये दोनों की क्या होगा मल्टीपल होगा। कोई परेशानी है छोटो है क्या? नहीं है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीरो बाय जीरो कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो दे देगा और ये भी क्या हो जाएगा जीरो देगा, समझ। क्योंकि कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है जीरो, तो टोटल क्या होगा यहाँ कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है जीरो, क्योंकि पाई प्लस पाई बाई टू करेंगे तो माइनस कॉस पाई बाई टू आएगा और कॉस पाई बाई टू का वैल्यू जीरो होता है। ये जो फॉर्म आपको बन रहा है कौन सा बन रहा है मोहन, चेक करके बता दे, हो जाएगा कि चेक करके बता दे। एक्स के जगह पर देखिए साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन हो गया, इसमें लिखेंगे कॉस थ्री पाई बाई टू होगा, पाई बाई टू मतलब कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या होगा, ये टोटल जीरो हो गया। इसको हम लोग तोड़ेंगे कॉस पाई प्लस पाई बाई टू दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई टू, और ये भी जीरो, मतलब ऊपर में भी जीरो और नीचे में भी जीरो, जीरो बाई जीरो। जैसे जीरो बाई जीरो आता है तो हम लोग क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएशन यूजिंग बाय क्या करेंगे एल ओपिटल रूल चलेंगे। बात समझे? देखिएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू बन जाएगा ना। दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको हम बता चुके हैं कि एक का बाहर एक का अंदर, ध्यान से देखिएगा ना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, तो ए वाला गुना में रहेगा कि नहीं रहेगा थ्री एक्स, बीच में क्या होगा प्लस, साइन को क्या रखना है गुना में, क्योंकि साइन का आप डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे माइनस में, और थ्री को करेंगे तो क्या मिलेगा थ्री मिलेगा। ओके नीचे पे आइए, ये देखिए कॉस को गुना में छोड़ देते हैं चुपचाप, साइन का डिफरेंशिएशन बताइए कॉस होगा थ्री के फिर करेंगे तो थ्री, बीच में क्या होगा प्लस। अब देखिए साइन को गुना में छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, और कॉस को क्या होता है माइनस है। कोई परेशानी है तो बताइए हमें। अब जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे पाई बाई टू रखेंगे, कितना रखेंगे पाई बाई टू, देखिएगा ये होगा पाई बाई टू कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस माइनस प्लस माइनस, ये थ्री को आगे लिख देंगे साइन पाई बाई टू साइन थ्री पाई बाई टू बटा, यहां से क्या लिखेंगे कॉस पाई बाई टू कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस ना, यहां से देखिए आप माइनस क्या लिखेंगे साइन पाई बाई टू साइन थ्री पाई बाई टू, आगे पीछे लिख दिए। कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है कॉस पाई बाई टू का वैल्यू जीरो, ये टोटल टर्म क्या होगा जीरो। साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होगा वन, तो ये क्या मिलेगा साइन थ्री पाई बाई टू कर देते हैं ना। यहाँ से कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या मिलेगा साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या मिलेगा वन, तो बच क्या गया अब बताइए माइनस थ्री साइन थ्री पाई बाई टू बटा ये माइनस साइन थ्री पाई बाई टू, माइनस से माइनस कटेगा ये भी काट देते हैं, तो आंसर कितना आएगा कोई परेशानी कोई दिक्कत? ए जीरो बाई जीरो आ रहा था तब तो हम लिखे इस टाइप से, लिखने के बाद किस फॉर्म में आ गया जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा था इसको लिखेंगे तोड़ करके जीरो बाई जीरो, क्योंकि फॉर्मूला लगा देंगे टेन एक्स को और टेन थ्री पे, टेन मतलब टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, इसको लगाने के बाद बढ़िया से लिख दिए। दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक का डिफरेंशिएशन एक का गुना में बीच में प्लस, एक का डिफरेंशिएशन एक का गुना में कर देना उसी तरह से नीचे, जहाँ पे एक्स पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू का वैल्यू जीरो तो ये टोटल हो जाएगा जीरो, बाकी ये बच गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा जीरो बाकी प्लस माइनस बच गया,
साइन फाइव बाई टू का वैल्यू वन होता है, इसको देख लेंगे और काट करके क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा। देखिए आप लोग नंबर क्या है, थ्री देखेंगे। एल टी एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू सेक एक्स बटा सेक थ्री एक्स, पाई बाई टू रखेंगे तो इन्फिनिटी देगा, ये भी इन्फिनिटी, मतलब कौन सा फॉर्म में दिया है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इसको बच्चे हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू लिखेंगे, वन बाई सेक थीटा बराबर बताइए क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, वन बाई कॉस थीटा। तो इसको लिखेंगे पाई बाई टू कॉस थ्री एक्स बटा, यहाँ से क्या लिखेंगे कॉस, कोई परेशानी है। अब इसको क्या करेंगे, देखो फॉर्म कौन सा बन गया, जीरो बाय, आप देख लीजिए जीरो बाय, क्योंकि यहाँ भी पाई बाई टू आ जाएगा माइनस में, तोड़ के दिखाए फिर से देखिएगा, ये अगर हम पाई बाई टू रखेंगे तो कॉस थ्री पाई बाई टू रहेगा, यानी कॉस पाई प्लस पाई बाई टू क्या भी माइनस कॉस पाई बाई टू, और इसका वैल्यू क्या होता है जीरो, कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या होगा जीरो। तो क्या किया जाएगा, अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एल टी एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू बच्चे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थ्री एक्स, माइनस साइन थ्री एक्स, और थ्री एक्स को करेंगे तो एक्स का वन तो थ्री मिलेगा, ये क्या होगा कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, एक कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पाई बाई टू रख करके देखते हैं, अगर जीरो बाई जीरो आएगा या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा तो हम सोचेंगे, और नहीं आएगा तो एंसर हो जाएगा, तो थ्री हो जाएगा, साइन थ्री पाई बाई टू बटा क्या होगा साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है वन, इसको लिखेंगे थ्री साइन पाई प्लस पाई बाई टू बटा क्या हो जाएंगे वन, यानी कि थ्री, देखिए साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा साइन पाई बाई टू, अब वैल्यू कितना देगा साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन, माइनस हो जाएगा, आसान है। चलिए नंबर हम लोग देखते हैं फोर, ना नंबर क्या देखेंगे फोर में, एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो है, कॉस पहले लॉग है और एक कॉटेक्स है, आप देखिए लॉग जीरो का वैल्यू कितनी होती है, अगर एक्स के वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो लॉग जीरो इन्फिनिटी होगा और कॉट जीरो इन्फिनिटी होगा, ये जो फॉर्म दिया है कौन सा फॉर्म दिया है मुझे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। आप इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, क्या कीजिएगा आप एक बार डिफ्रेंसिएशन कीजिए, अगर डिफ्रेंसिएशन से आंसर आता है तो आएगा, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे जीरो बाय जीरो का कंडीशन बनाएंगे, क्या हमें बोर्ड पे देखो ना बच्चे, ये देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स और कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, बच्चे इसको एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो लिख दे, लिख देंगे। अब इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों इसके नीचे वन छिपा हुआ है तो क्या लिखेंगे, ये दोनों वन चला जाएगा तो वन बटा माइनस एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ऐसे, अच्छा कॉस एक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, साइन लिख सकते हैं एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स बटा क्या होगा एक्स, इस माइनस को बाहर लगा सकते हैं लिमिट एक। अब देखिए जब जीरो रखेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको सीधा किया गया है तो वन बाई एक्स माइनस क्या है कॉस एक स्क्वायर एक्स कॉट का डिफरेंशिएशन होते हैं और इसके नीचे वन छिपा है तो वन बटा कितना होगा एक गुना हो जाएगा और वन बाई कॉस एक थीटा बराबर साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, इस माइनस को बाहर निकालेंगे और जैसे ही जीरो रख रहे हैं तो कौन सा बन रहा है जीरो बाई जीरो बन जा रहा है भाई, जीरो बाई जीरो बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे फिर से इसको डिफ्रेंसिएट करेंगे तो टू आगे ये को साइन बचेगा और साइन के बच्चा कॉस और एक्स का वन, और फिर से क्या रखेंगे देखिएगा टू साइन जीरो कॉस जीरो ना, ये बताइए टू ई गुना जीरो और ये वन दैट इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा चौथा के जीरो, कोई परेशानी कोई दिक्कत है, पहले आप इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा वन टू थ्री फोर ए बी सी डी लगा देंगे तो ए वन बटा वन, देखिए वन इंटू वन होगा और ये दोनों का मल्टीपल कर देंगे इतना,
ए क्या है 1 बाई कॉस ए स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर, जीरो रखे हैं तो जीरो बाई जीरो कंडीशन आ रहा है, तो फिर इसे क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जीरो रखे तो आंसर क्या आ गया जीरो, तो नंबर जो फोर का आंसर क्या आएगा जीरो। नंबर फाइव के पास चलते हैं और नंबर फाइव देखते हैं कि क्या है, ठीक है समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहे। नंबर देखिए फाइव है, फाइव में एल टी एक्स टेंडिंग टू क्या है जीरो, लॉग एक्स स्क्वायर बटा लॉग कॉट स्क्वायर एक्स, बहुत आसान दिया ना, ये बताइए फॉर्मूला एक पढ़े हैं लॉग ए के पावर बी इक्वल टू बी लॉग ए पढ़े हैं, ये पावर है तो इसको हम क्या लिखेंगे एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो टू लॉग एक्स, यहाँ भी पावर है तो क्या लिखेंगे टू लॉग कॉट एक्स, टू से टू गया तो जो लॉग एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग एक्स बटा क्या होगा लॉग कॉट एक्स, लॉग जीरो का वैल्यू क्या होता है इंफिनिटी और लॉग यहाँ पे कॉट जीरो मतलब जीरो हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा कौन सा फॉर्म बन रहा है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इसको आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन आपको पता है लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स, वन बाय एक्स और वन बाय कॉट एक्स इंटू क्या हो जाएंगे कॉस एक्स स्क्वायर माइनस, इस वाले को हम लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे जीरो लिखेंगे, कोई परेशानी नहीं है। इस वाले को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये देखिए हो जाएगा ये cot कहां जाएगा ऊपर में और नीचे में क्या होगा x cos x स्क्वायर x, ये तो देखिए यहां से माइनस है क्या है, इस वाले माइनस को कहां निकाल देते हैं बाहर, ये जो माइनस है बाहर निकाल देंगे, समझ में आ रहा है ना, ये बीच वाले को गुणा होता है और नीचे वाला कहां जाएगा ऊपर, अब इसको जीरो रखेंगे तो ये टोटल जीरो कॉट जीरो मतलब कौन सा फॉर्म बन गया जीरो बाय जीरो, जैसी देखिए वन बाय कॉस एक को क्या लिखेंगे अमित एक्स टेंडिंग टू जीरो एक कॉट रहेगा, वन बाय कॉस एक स्क्वायर को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बटा क्या है एक्स, कॉट थीटा बराबर अभी क्या हो जाएंगे ये कॉस बाई क्या लिखेंगे साइन एक्स और ए टू क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बटा एक्स होगा, कोई परेशानी है एक कटेगा ना तो क्या मिलेगा माइनस एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो ये होगा कॉस एक्स ना और ए टू ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स, आप ये बताइए ए माइनस एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो ए होगा कॉस एक्स इंटू एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो ए होगा साइन एक्स बाई एक्स, बात समझ में आ रहा है ना, मल्टीपल क्या प्रोडक्ट का है तो हम लोग दो भाग में कर सकते हैं या तो सीधा डिफ्रेंसिएशन करके भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कॉस और ये साइन बचेगा बटा में एक्स हो जाएंगे ना, आप इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा क्योंकि जीरो बाई जीरो आ रहा है तो आपका उससे भी बन जाएगा, अब यहाँ से देखिएगा क्या होगा कॉस जीरो साइन एक्स बाई एक्स एक्स टेंडिंग टू जीरो तो उसकी वैल्यू क्या होती है वन, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है वन, क्या मिलेगा माइनस वन, नहीं होगा तो इसको ई इंटू बी पर और एक्स का डिफरेंशिएशन करके भी बना दीजिएगा, उसको भी देखिए समझा देते हैं, जैसे यहाँ पे होगा और में माइनस एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो ना ये होगा कॉस एक्स और क्या बचा है साइन एक्स बाई एक्स, जो कंडीशन आ रहा है वो कंडीशन हम जीरो बाई जीरो आ रहे हैं, समझ में आ रहा है जी, तो ये बताइए माइनस रहेगा एल टी ना एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये साइन और माइनस साइन मतलब साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा बीच में क्या होगा, अब आप ही बता दीजिए कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस तो ऊपर में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटा वन, जब हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो साइन वाला क्या होगा तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है अब माइनस वन देगा तो ये टोटल चीज़ क्या हो जाएगा माइनस वन, आप ऐसे इसको पूरा बना सकते हैं, यहाँ पे बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो लिखिएगा थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू वन, ओके।
आसानी आपका कॉट में, कॉसेक में, है ना, टैन में, सेक में, चार चीजें आएंगे तो आप चेंज कर दीजिएगा साइन और कॉस में। कोशिश कीजिएगा कि साइन और कॉस में चेंज हो जाए, क्योंकि साइन और कॉस वाला कहो पे इंफिनिटी देता नहीं है। जीरो पर जीरो होता है, कॉस जीरो पर वन होता है, कॉस पाई बाई टू पर जीरो होता है, साइन पाई बाई टू पर वन होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि साइन और कॉस में बने, क्या बने, साइन और कॉस। किसको चेंज करना है, टैन को, कॉट को, कॉसेक को और सेक के। आप कोशिश कीजिएगा चार को इस टाइप से रहेगा तो बिल्कुल चेंज करके ही बनाएंगे, उसे बनाइएगा तो कभी गलत होने के चांस नहीं है, बिल्कुल आपका सटीक आंसर आएगा। देखिए ए नंबर सिक्स है, लॉग साइन टू एक्स बटा लॉग साइन एक्स। आप जीरो रखिएगा तो साइन जीरो हो जाएगा, लॉग जीरो का वैल्यू इंफिनिटी होता है, लॉग जीरो मतलब ये जो फॉर्म बन रहा है किस फॉर्म में बन रहा है, जीरो बाय जीरो है, सॉरी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। आप इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाय क्या होता है, एक्स, एक्स के जगह पर साइन टू एक्स है और साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे टू एक्स और ये क्या हो जाएगा। ओके कोई परेशानियां कोई दिक्कत नहीं है, लॉग का डिफरेंशिएशन तो वन बाई साइन एक्स और इनटू क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। इस टू को कांस्टेंट है इसलिए इसको हम कहां निकाल देंगे, बाहर निकाल सकते हैं और ये हो जाएगा कॉस टू एक्स बाई साइन टू एक्स बटा कॉस एक्स बटा साइन एक्स। आप इसको ऐसा मत कीजिएगा कि इसको टेन बना दीजिएगा, आपको चेंज ही करके रखना है, ये दोनों के आप गुना कर दीजिएगा, क्या करना है मोहन, मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे वाला कहाँ चलेगा, ऊपर में, कहाँ चलेगा, ऊपर में, बटा क्या हो जाएगा कॉस एक्स और साइन टू एक्स। अब जैसे ही एक्स का वैल्यू हम जीरो रखते हैं तो साइन जीरो और यहाँ भी साइन जीरो, कौन सा फॉर्म बन रहा है, जीरो बाय जीरो बन रहा है। आप इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स और ये गुना में रहेगा कॉस एक्स, इसमें क्या होगा प्लस। अब साइन को गुना में रख दीजिए, चलिए रख दिए, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन टू एक्स और ये क्या है टू, तब इसको हम लोग टू लिखेंगे बटा, कोई परेशानी हो रही है क्या, नहीं ना। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं बच्चे, माइनस साइन एक्स, ये क्या रहेंगे टू ना, बीच में प्लस, अब ये कॉस क्या रहेगा टू ना, साइन का डिफरेंशिएशन आप ही बताइए कॉस टू एक्स और टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू। अब ऐसा काम करें जहां जहां x है वहां पे जीरो पुट करते चलिए, यहाँ क्या है cos 0 cos 2 गुने 0 प्लस माइनस माइनस 2 sin 0 sin 2 गुने 0 बटा यहाँ देखिएगा माइनस sin 0 sin इंटू टू, देखिए sin 2 x x का वैल्यू 0, यहाँ से देखिए ये 2 लिख दे cos 0 और कॉस टू गुने जीरो। आप बताइए कॉस जीरो का वैल्यू, कॉस जीरो का वैल्यू, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होगा वन होगा, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है सीधा जीरो कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा टू। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो टू बाय टू मिलेगा, कोई परेशानी, आसान है, समझ में आ गया बात क्या करना है या क्या नहीं करना है। नंबर हम एट देखते हैं बच्चे, एट के हम देखिएगा ध्यान से, क्योंकि छठा ही एट है ना, यहां बोला है कि एलटी, देखिएगा बहुत आसान लिमिट दिया है, बहुत शानदार भी है, लॉग है ये बच्चे साइन एक्स है और यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है साइन टू एक्स, ध्यान से देखिए लॉग का जो बेस दिया है वो बेस क्या है साइन एक्स है, क्या है साइन एक्स है। इस वाले की आप एक नोट में लिख लीजिएगा ना, याद कीजिएगा कि लॉग ई ए और बेस बी है, समझ में आ रहा है ना,
log a, साई की जगह पर a और a क्या है b है। आप देखिए इस वाला में log लगा के लिख दीजिए log b और नीचे वाला में भी log लगा देना है। बात समझे? समझे या नहीं समझे? फॉर्मूला याद रखिए कि ऊपर वाला में जैसे साइन टू एक्स है इसमें क्या लगा देंगे लॉग, कहाँ रखेंगे ऊपर में, बेस के क्या है साइन एक्स ए, तो क्या लिखेंगे लॉग ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग साइन, तो इसको लिखेंगे एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग साइन टू एक्स बटा लॉग साइन एक्स। अब इस वाले प्रश्न को और इस वाले को आप देखिए तो क्या है सेम है भाई, हम एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो है लॉग साइन टू एक्स है, यहाँ पे लॉग साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स है और इसका ये आंसर कितना आएगा, जो भी आंसर आएगा क्या आएगा वन आएगा। तो आप टोटल चीजें भाई यही उतार सकते हैं नंबर एट में, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया बिल्कुल। तो नंबर सिक्स बना दिए हैं, नंबर सिक्स हो गया है, नंबर एट भी हो गया, जो नंबर सिक्स है वो है नंबर एट आ गया है ना। तो एक बच गया आपका नंबर सात, देख लेते हैं एल टी एक्स टेंडिंग टू क्या है बच्चे जीरो है, लॉग यहाँ पे एक्स है और ये बच्चा लिखा हुआ है टेन एक्स ना, इसको एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग टेन एक्स बटा लॉग एक्स लिख सकते हैं, उस फॉर्मूला को लगा देना है। ये देखिए जीरो रखेंगे तो टेन जीरो हो जाएगा, जीरो मतलब कौन सा फॉर्म बन रहा है इनफिनिटी बाय इनफिनिटी। अभी मैं साइन कॉस में नहीं लिख रहा है क्योंकि लॉग लगा हुआ है, आप इसको क्या कीजिएगा डिफरेंशिएशन, वन बाय क्या मिलेगा टेन एक्स और टेन का डिफरेंशिएशन करके सेक स्क्वायर और ना सेक स्क्वायर क्या होगा एक्स हो जाएगा, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर और वन बटा क्या होगा एक्स हो जाएगा। इसको बढ़िया से लिखेंगे तो एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है बटा क्या हो जाएगा टेन एक्स वन बाई एक्स हो जाएगा ना। अब इस वाले को एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो देखिएगा लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बटा टेन एक्स इंटू एक्स बटा वन, क्योंकि नीचे चला के नीचे एक्स है ऊपर चला जाएगा। फाइनल इसको हम करना क्या चाहते हैं, करेंगे क्या टेन थीटा को कॉट थीटा लिख सकते हैं क्या, अरे टेन को कॉट लिख सकते हैं या आपको लिखिए ऐसे, अच्छा चलिए भाई आप ही काम, देखिए sec स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं इसको वन बटा cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, tan को क्या लिखेंगे sin by cos, तो cos कहाँ चलेगा ऊपर में, cos कहाँ चलेगा ऊपर में, कोई परेशानी है क्या, चलिए इसको हम लिखते हैं cos by sin और इनटू क्या है x, तो दिक्कत ये कॉस से एक कॉस गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स बटा क्या है कॉस एक्स और साइन एक्स, अब आपका जीरो बाई जीरो बन गया जी बच्चे एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस एक्स इंटू कॉस बीच में क्या होगा प्लस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, साइन का डिफरेंशिएशन तो करना ही नहीं है, बात समझे, जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे क्या रखेंगे जीरो, तो ये हो जाएगा कॉस जीरो कॉस जीरो प्लस माइनस माइनस साइन जीरो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है वन 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 इंटू वन और जीरो दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा वन, बात समझे, हमने बोल दिया हमने ये बोल रहे हैं कि जो sec और tan है sec tan cos ना sec tan sec tan cos और cosec को चेंज करके किसमें लाना है sin और cos में, तो यहाँ पे था इसलिए sin और cos को लाने के बाद जीरो बाय जीरो कंडीशन होगा बहुत जल्दी बन जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो यह नंबर आपका क्या था
एक से लेकर एट तक कंप्लीट हो गया। एक प्रश्न है, उस प्रश्न को आप लोग को सॉल्व करना है, हम इसको लिख देते हैं क्योंकि एग्जांपल में दिया है। देखिएगा नाइन क्या है, ये बोला है कि एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा लॉग टेन एक्स, क्या दिया है ये टेन एक्स वो भी स्क्वायर में, और यहाँ भी क्या है टेन स्क्वायर टू एक्स। चलिए मोहन इसको क्या हम लोग करेंगे, एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो इस वाला में क्या लगा देना है लॉग लगा देंगे, तो टेन स्क्वायर टू एक्स। इस वाला में भी क्या लगा देना है लॉग टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं लॉग ए के पावर बी इक्वल टू बी लॉग ए, ये जो पावर दो दो दिख रहा है वो कहाँ पे आना चाहता है आगे, तो क्या लिखेंगे टेन टू एक्स बटा टू लॉग टेन एक्स। इस वाले को और इस वाले को काटिएगा तो एल टी एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग टेन टू एक्स बटा लॉग टेन एक्स। अब इस वाले को आपको सोल्व कर देना है डिफरेंस, क्योंकि ये जीरो बाई किस कंडीशन में आ रहा है, सॉरी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, किस वाला में आ रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। क्या मोहन क्यों हो जाएगा भाई, तो ये कोशिश करना है क्योंकि सब अगर हम ही सोल्व करेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, बैठ करके मस्ती करना है सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि एक्सरसाइज में टोटल प्रश्न 9 था जिसमें 8 तो हम सॉल्व कर दिए, एक आप सॉल्व कर लीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जांपल नंबर 3 देख लीजिएगा। एग्जांपल किसको देखना है, एग्जांपल नंबर 3, और 3 वाला ही इसमें बन गया है। ओके तो ये क्लास आज यहीं तक हम लोग क्या करेंगे एंड करते हैं। एक्सरसाइज हम लोग क्या देखेंगे 4B देख लीजिए। ठीक है 4B में हुआ क्या था कि टोटल प्रश्न 9 था, 9 में से हम 8 सॉल्व किए, आपका 9 सॉल्व करना है आपको, इसमें एग्जांपल नंबर क्या दिया है 3 ही दिया है। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। इस चैनल पे आपको BSc मिलेगा, क्लास 10th मिलेगा, 11th और 12th फिजिक्स भी मिलेगा 11th और 12th को, तो आप बने रहिए, मिलते हैं अगले दिन एक्सरसाइज 3C लेकर।